नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भारतीय संस्कृति के लिए जरूरी है अयोध्या में राम मंदिर बनना, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बयान। मक्का मस्जिद विस्फोट मामले का आया फैसला, स्वामी असीमानंद सहित सभी आरोपी हुए बरी, 2007 का है मामला। दहेज के खातिर विवाहितों को उतारा मौत के घाट, तिजारा के बागोर गांव का है मामला, पुलिस ड्यूटी जांच में। अलवर में मना राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, उत्तम व अति उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित, मार्च पास्ट घुड़सवारी सहित हुए कई प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर फिर से नहीं बनाया गया तो हमारी संस्कृति की जड़ें कट जाएंगी। हमें राम मंदिर चाहिए। वैसे राम मंदिरों की कोई कमी नहीं, लेकिन राम की जन्मभूमि एक ही है, लोगों ने वहां तोड़फोड़ की, इसको लेकर हमें कोई द्वेष नहीं। हम हिंदू हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, तो हमारे देश में जहां तोड़फोड़ हुई उसे ठीक करना भी होगा। मोहन भागवत ने रविवार को पालघर जिले के डहाणू में विराट हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उसी वक्त उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मंदिर वहीं बनाया जाएगा जहां वह पहले था। आरएसएस चीफ ने हाल ही में देश में कई हिस्सों में हुए जातिगत हिंसा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कुछ पार्टियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो चुनाव हार गए हैं, वे अब लोगों को जाति के मुद्दों पर लड़ने के लिए उकसाने में लगे हैं। सत्य आए तो सत्य आए, मंदिर लीजे होता मंदिर लीजे झालं पाहिजे। मंदिर असं बनवायचं आम्ही ठरवलंय, मंदिर तसं बनलं पाहिजे। मंदिर यांच्या हाताने बनवायचं आम्ही ठरवलंय, त्यांच्या हातानेच ते बनलं पाहिजे। इथे काही कंजूसपणा भाषण करायची जरूर नाही। आपण कोणाच्या विरोधी बोलत नाही, आपण कोणाविषयी दुर्भावनेनी बोलत नाही, आपण आपल्या स्वतंत्र देशात जे व्हायला पाहिजे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक अदालत ने 2007 में मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट मामले के स्वामी असीमानंद सहित 5 आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। 18 मई 2007 को हुए इस ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए थे, जबकि 58 लोग घायल हुए थे। बाद में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग में भी कुछ लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि एनआईए मामले की चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र सह विशेष अदालत ने केस की सुनवाई पूरी कर ली है। इस मामले में 10 आरोपियों में से 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें नभक उमर सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद का नाम भी शामिल था। जिन 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट बनाई गई थी, उसमें से स्वामी असीमानंद और भारत मोहन लाल रत्नेश्वर उर्फ भरत भाई जमानत पर बाहर थे और 3 लोग जेल में बंद थे। 2007 में हुए इस ब्लास्ट की शुरुआती छानबीन पुलिस द्वारा की गई, फिर यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में 2011 में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया। इस मामले में कुल 160 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 54 गवाह मुकर चुके थे। मस्जिद ब्लास्ट मामले के 2 और मुख्य आरोपी संदीप वी डांगे और रामचंद्र कलसंग्रा अभी भी फरार चल रहे हैं। तिजारा में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पापड़ा हरियाणा निवासी रफीक ने तिजारा थाने में मामला दर्ज कराया है कि मेरी बहन की शादी 2005 में बागोर गांव के सराजुद्दीन के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन दहेज की मांग की जाती रही। इस दौरान 15 मार्च को हमें सूचना दी गई कि हमारी बहन मर चुकी है। वहीं घर पर मृतका के बच्चे तो मौजूद थे, लेकिन सास ससुर और पति तीनों फरार पाए गए। इस संदर्भ में तिजारा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी हेमराज सिंह बागोर गांव पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया और मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। सूचना मिली थी कि बागोर गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई जी। पक्ष वालों ने संबंध में मृतका का भाई रफीक, उसने एक रिपोर्ट दी जी कि मेरी बहन की शादी 2005 में हुई थी जी,
दहेज की मांग को लेकर आज उसकी हत्या कर दी है। घटना के संबंध में रिपोर्ट पेश की है, इस पर अभियोग दर्ज किया है और मृतक पोस्टमार्टम करवा के लाश को। जनाब, मेरी भतीजी बड़े भाई की बेटी नेमली बारौर में ब्याही थी, जिसको कल रात में गला दबाकर हत्या कर दी गई। और हत्या करने का कारण ये बना है कि इन लोगों की दहेज की मांग हमसे आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ये लालची लोगों ने, अब ये मालूम नहीं कितने लोगों ने हत्या की है। हमको इन्होंने कल 2:30 बजे फ़ोन किया है कि तुम्हारी बेटी एक्सपायर हो गई। हमने आके बेटी को इस हालत में पाया कि हमारी बेटी के पास में वहाँ कोई नहीं था, छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखा रखे थे और घर के मेन सदस्य सारे वहाँ से फरार। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर अलवर में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसपी राहुल प्रकाश ने विभाग में उत्तम और अति उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का सम्मान किया, साथ ही कप्तान ने मार्च पास्ट की सलामी ली। अलवर के पुलिस लाइन ग्राउंड पर आज राजस्थान पुलिस दिवस बड़े जोर शोर के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसपी राहुल प्रकाश मौजूद रहे। वहीं एडिशनल एसपी मूल सिंह राणा और आईपीएस अनिल बेनीवाल सहित सीओ सिटी जय सिंह नाथावत और अनेकों अधिकारी शामिल हुए। सभी स्थानों के थाना अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन के जवानों ने अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन किया, जिसमें घुड़सवार प्रदर्शन आकर्षण के केंद्र रहे। पुलिस लाइन में जवानों ने परेड का आयोजन भी किया। पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम के अंत में जवानों को उनके कार्यों को देखते हुए सम्मानित किया। इस मौके पर एसपी राहुल प्रकाश ने कहा कि पुलिस विभाग हमेशा त्याग और बलिदान के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहा है। और इसी के साथ आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी ने यहाँ पर मिलकर के परेड का आयोजन किया था। इसमें जो हमारे अति उत्तम और उत्तम सेवा चिन्ह जिनको मिले थे उनको सम्मानित किया गया, और साथ में हमारा देश जो कि वसुधैव कुटुंबकम का जिसने संदेश पूरे विश्व को दिया है, जो कहता है कि सारा विश्व मेरा भाई है, उस नारे को, उस आचरण को खुद में अपनाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर करने की शपथ सभी ने यहाँ के लिए। अलवर के बहरोड क्षेत्र में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में कुछ लोग हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में करीब 15 लोग एक ठिकाने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से एक हरियाणा के नागल चौधरी की गोठड़ी ग्राम पंचायत सरपंच का पति वीरेंद्र गुर्जर के रूप में भी पहचान की गई है। बहरोड क्षेत्र में बदमाश पुलिस से किस कदर बेखौफ है, यह रविवार को सोशल मीडिया में वायरल किए गए वीडियो में सामने आया। वीडियो में हाईटेक हथियारों के जखीरे के साथ करीब 15 लोग एक ठिकाने पर बैठे हैं। इनमें से एक हरियाणा के नांगल चौधरी की गोठड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच के पति के रूप में भी पहचाना गया है। गौरतलब है कि 14 मार्च को भी आधुनिक हथियारों के जखीरे के साथ एक बदमाश ने धमकी भरा वीडियो वायरल किया था, लेकिन पुलिस एक माह बाद भी उसे नहीं पकड़ पाई। वीडियो को लेकर पुलिस का कहना है कि यह बहुत पुराना है, हमने पहचाने गए चेहरे की तलाश में दबिश भी दी थी लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। उल्लेखनीय है कि गत माह पहाड़ी गांव के विक्रम उर्फ चांदनाथ ने हथियारों के साथ एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया था। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ वायरल वीडियो को एक माह पुराना बताया गया। अब एक नया वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। अलवर जिले के नीमराना में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक पिता की हैवानियत सामने आई। वीडियो में एक व्यक्ति लड़की को जूते से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। लड़की पिटाई से बचने के लिए मकान की छत से छलांग लगा जाती है। वह मकान के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज के तारों पर गिरती हुई नीचे सड़क पर गिर जाती है। तभी एकदम से धमाके की आवाज सुनकर आसपास के व्यक्ति दौड़कर लड़की के पास आते हैं और उसे संभालते हैं। लड़की छत से गिरने से अचेत हो गई, जिसको नीमराना के निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर लड़की की हालत नाजुक बताई गई है। सूचना पर नीमराना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की।
निमराना कस्बे के विजय बाग स्थित एक मकान में किराए पर रहने वाली एक 12 वर्षीय बालिका वंदना की पिता के द्वारा पिटाई करने पर जान बचाने के लिए छत से कूद गई। बच्चे की पिटाई के दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पिटाई और लड़की के कूदने का वीडियो वहीं दूसरी छत पर खड़े लड़के ने बनाया। हादसे के बाद बच्ची को नीमराना के उपखंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने बच्ची के पिता संतोष को हिरासत में लिया। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी हितेश शर्मा ने लड़की से पूछताछ में बताया कि वह पड़ोस के लड़के से फोन पर बात कर रही थी, तभी पिता आ गया। बच्चे के पिता ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। मौका लगते ही बच्ची जान बचाने के लिए 2 मंजिला छत से गिर गई, जिससे बच्ची के दोनों पैरों में फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी का छल्ला टूट गया। घायल बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि एक लड़की छत से गिर गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। असिस्टेंट हॉस्पिटल गए हम। ये वंदना डॉटर ऑफ संतोष, जाति राजपूत, बिहार की रहने वाली है। यहाँ 2-3 साल से करीबन काम कर रहे हैं। उसने लड़की के हमने बयान लिए। उसने बयान दिया कि मैं पड़ोस में गई, एक लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी, पिता को पता लग गया मेरे पापा को, तो मैं डर के मारे छत से गिर गई हूँ। आगे कार्रवाई देखते हैं, जो भी लीगल कार्रवाई मिलेंगी उसमें कार्रवाई करेंगे। वीडियो वायरल भी होता है सर? अब वो देखते हैं, हम उसके आधार पर आगे विधिक जो कार्रवाई बनेंगे करेंगे। अलवर के LIT कॉलेज में कंप्यूटर तकनीकी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर NP कौशिक और विशिष्ट अतिथि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुप्ता ने किया। इस दौरान LIT चेयरमैन मनोज चचान और ग्रुप निदेशक राजेश भारद्वाज मौजूद रहे। अलवर के LIT इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर तकनीकी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP कौशिक मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यशाला का शुभारंभ हुआ और संस्था चेयरमैन मनोज चचान और ग्रुप निदेशक राजेश भारद्वाज ने अतिथियों का स्वागत किया। सेमिनार में इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग और निजता पर मंडरा रहे खतरों पर मंथन किया गया। साथ ही डॉक्टर NP कौशिक ने बीकानेर में खोले गए तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी। आज ये लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसेस इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो नए नए बदलाव हो रहे हैं और हम क्या शोध इसमें कर सकते हैं, उसके ऊपर देश और विदेश से यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए। और मेरे को इस बात की खुशी है कि वास्तव में ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है संगोष्ठी है। इसमें मलेशिया, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया से भी एक्सपर्ट्स आए हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो अनुभव उनके देश का है वो यहाँ पे वो जो है शेयर करेंगे। और इसका लाभ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जो है मिलेगा। भारतीय संस्कृति के लिए जरूरी है अयोध्या में राम मंदिर बनना, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बयान। मक्का मस्जिद विस्फोट मामले का आया फैसला, स्वामी असीमानंद सहित सभी आरोपी हुए बरी, 2007 का है मामला। दहेज के खातिर विवाहितों को उतारा मौत के घाट, तिजारा के बागोर गांव का है मामला, पुलिस जुटी जांच में। अलवर में मना राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, उत्तम व अति उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित, मार्च पास्ट, घुड़सवारी सहित हुए कई प्रदर्शन।